हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। हम आज शक्करपारे बना रहे हैं, जो अलग से स्टाइल से बना रहे हैं। शाही शक्करपारे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिए, 200 ग्राम चीनी, 4 चम्मच रिफाइंड तेल के लिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे, तो मैदा को एक बाउल में डाल देंगे। मोइन के लिए मैं 4 चम्मच तेल डाल रही हूँ, आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। मोइन से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। हम मिक्स कर देंगे। हमने मोइन को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मोइन अच्छे से हो गया है हमारे इसमें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। हमें नरम ही आटा लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। हमने इसका आटा लगा लिया है, अब हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा आटा इसमें से तोड़ लेंगे, गोल गोल लोया बना लेंगे रोटी के जैसे। अब हम बेलन से इसको बेल लेंगे, हम बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे इसको। ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत आसान है। आप किसी भी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं इसको। बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। हमने इसको बेल लिया। अब हम चाकू लेंगे, साइडों से किनारे कट कर देंगे, इसको चौकोर शेप में कर लेंगे। अब हम छोटे छोटे लंबे लंबे कट कर लेंगे, छोटे छोटे करेंगे। बिल्कुल पतले पतले करते जाएंगे हम इसके। हम सभी को ऐसे ही कट कर लेंगे। हमने सारे में कट लगा लिए। अब हम 5 या 6 उठा लेंगे एक साथ। आपको जितना मोटा बनाना है आप उतने ही ज्यादा ले लेंगे। 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। हमने किनारों को थोड़ा चिपका दिया। अब हम थोड़ा ऐसे राउंड कर देंगे ताकि अच्छे से डिजाइन बन जाएगी। हल्के हल्के हाथों से करते जाएंगे हम और गोल रिंग के जैसे बना लेंगे। अब किनारों पे हम पानी लगाएंगे, पानी से इसको चिपका देंगे ताकि खुलेगा नहीं, ये पानी से अच्छे चिपक जाता है। अच्छे से ज्वाइन कर देंगे ताकि फ्राई करते समय निकले नहीं। अभी दिखने में अच्छा दिख रहा है, अलग से डिजाइन बन गया इसका। अब हम प्लेट में रख देंगे, ऐसे दूसरा उठाएंगे हम। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम राउंड कर देंगे, घुमा देंगे इसको ताकि इसमें डिजाइन बन जाएगी। इसको भी ऐसे रिंग की तरह बना देंगे और किनारों पर हम पानी लगा देंगे इसके और अच्छे से चिपका देंगे।
ऐसे ही हम बाकी के बना लेंगे। आप चाहे तो इससे ज़्यादा मोटे बना सकते हैं। आप इस तरह सारे बनाकर तैयार रख लेंगे। हमने सभी रिंग बना के रख लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गरम हो गया है, हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसमें डाल देंगे गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। अब थोड़ा सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। अब ये शक्करपारे थोड़ी थोड़ी सिक गए हैं, अब हम इनको पलटते जाएंगे। हम दो तीन बार पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे इनको। अगर आपको मीठे शक्करपारे नहीं चाहिए तो आप नमकीन भी बना सकते हैं। इसमें काली मिर्च और नमक डाल देंगे और आप ऐसे ही बना सकते हैं नमकीन शक्करपारे भी। हम दो तीन बार पलटते जाएंगे इनको। अब हम इनको पलट पलट के अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं सेकने के बाद में। ये अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब बचे हुए शक्करपारे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब शक्कर पारों के लिए हम चाशनी बना रहे हैं तो हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 200 ग्राम चीनी डाल दी हमने। अब एक कटोरी पानी डाल देंगे हम। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमारी चाशनी बनने लग गई है। अब इसको अच्छा दिखने के लिए मैं इसमें येलो कलर डाल रही हूँ। आप बिना कलर के बना सकते हैं, कलर से थोड़ा अच्छा दिखता है ये। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमारे एक तार की चाशनी बन गई है। हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा हम अंगुली के लगाकर देखेंगे। इसमें एक तार बन रहा है। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। हमें एक तार की चाशनी चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी चाशनी थोड़ी हल्की ठंडी हो गई है, हम ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे। मैंने इसमें एक इलायची कूट कर भी डाल दी है। अब हम इसको शक्करपारे को इस चाशनी में डाल देंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि चाशनी अंदर तक चली जाएगी इसमें। अब 15-20 मिनट के लिए हम चाशनी में छोड़ देंगे इनको। थोड़ी थोड़ी देर में हम ऊपर नीचे करते जाएंगे। आप ये शक्करपारे जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे।
हमारे शाही शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें।